नेता में और संत में फर्क होता है। नेता अपने अहम को संभाले हुए काम करता है और संत अपने अहम को समष्टि में मिलाए हुए काम करते हैं। संत को ऐसा नहीं होता कि मैं चला जाऊंगा कहीं छोटा हो जाऊंगा। कई कई संत वेश में भी जरा अपने अहम को सजाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कृष्ण के जीवन में ऐसा कभी नहीं था। कृष्ण उत्तंग ऋषि के आश्रम में गए। उत्तंग ने कृष्ण को सुना और कृष्ण को डांटा, फिर भी श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे। आखिर उत्तंग ऋषि कृष्ण को श्राप देने को उद्यत हुए तो कृष्ण ने कहा कि महाराज, तुम अपने तपोबल से अहम बल से मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो। कृष्ण ने समझाया और उत्तंग समझ गए। वरदान मांगा कि यहाँ मारवाड़ में रहता हूँ, पानी की तकलीफ है। कृष्ण ने कहा, जब तुम पानी चाहोगे तो तुमको अमृत मिलेगा स्वर्ग का, लेकिन अमृत पीने के लिए तुम्हें नम्र और परिस्थितियों को समझने वाला होना पड़ेगा। हस्तिनापुर का युद्ध पूरा हुआ तो श्री कृष्ण द्वारका जा रहे थे। दिल्ली से द्वारका के रूट बीच में राजस्थान आया। वहां एक उत्तंग तपस्वी तप कर रहे थे। श्री कृष्ण उनके आश्रम में गए, ठहरे, विश्राम किया। उत्तंग से बातचीत करते हुए श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की युद्ध का बयान किया। उत्तंग क्रुद्ध हो गए, बोले, कृष्ण, अगर तुम चाहते तो ये युद्ध रुक सकता था। तुम्हारा ही हाथ है कौरवों को विनाश कराने में, मैं तुमको श्राप दे रहा हूं। उत्तंग ने हाथ में पानी लिया। कृष्ण को श्रापित करने के लिए उसने कोप शुरू किया, लेकिन कृष्ण नम्रता की भी मूर्ति और ज्ञान की भी मूर्ति। कृष्ण कहते कि महाराज, आपके कोप से आपका तपशक्ति क्षीण होगा, मुझ चैतन्य आत्मदेव का कुछ नहीं बिगड़ेगा और जो होनी थी वो होके रही। महाराज, मैंने दूत बनकर, संधि दूत बनकर भी प्रयास किया, लेकिन कौरव पक्ष के इतने पाप बढ़ गए थे कि उनका ऑपरेशन के सिवा दूसरा कोई चारा ही नहीं था। नियति का, विधि का विधान था महाराज, और तुम श्राप देकर अपना करा करा चट मत करो। कृष्ण का उपदेश लग गया उत्तंग को और उत्तंग विनम्र का रास्ता अपनाए। कुंभ के मेले में भी कई अखाड़े वाले अच्छे होते हैं, सज्जन होते हैं, और कई ऐसे होते हैं कि हम बड़े सुल्फा से, चरस से बुद्धि में तमोगुण आता है तो लड़ाई झगड़ा स्वभाव में घुस जाता है, अथवा लड़ाई झगड़े वाला स्वभाव घर में था, साधु बन गए, साधना की यात्रा नहीं की, हृदय बदला नहीं, तो फिर साधु वेश में भी दे धमाधम होता है। कहने का तात्पर्य है कि जब तक हम अपने चित्त को चैतन्य के प्रसाद से पावन नहीं करते, तब किसी वेश में किसी देश में चले जाए, अपना मलिन हृदय अपने को भी सताता है, दूसरों के लिए भी अशांति पैदा करता है। और जिसका हृदय साधन भजन से, भगवत प्रसाद से पावन हुआ है, वो आप भी तृप्त रहता है और जगत में भी तृप्ति और शांति फैलाता है। दुखी आदमी दुख फैलाता है, अशांति अशांति फैलाता है, उद्विग्न आदमी, अशांत आदमी अशांति फैलाता है, और कृष्ण तो अपनी मधुरता फैलाएंगे। कृष्ण की मधुर दृष्टि से उत्तंग का मन कुछ मधुर हुआ। उत्तंग ने क्षमा याचना की, कृष्ण प्रसन्न हुए। कृष्ण ने कहा, वरदान मांग लो। उत्तंग ने कृष्ण से ब्रह्म विद्या नहीं मांगी, मांगने के लिए भी मति चाहिए, तपस्वी था, लेकिन जिज्ञासु होता तो कुछ और ही मजा आता। उत्तंग ने कहा कि ठाकुर जी, अगर तुम राजी हो तो मुझे इधर कोई गंगा प्रकट हो जाए, मारवाड़ में गंगा लाई दियो हमारा अन्नदाता। कृष्ण ने कहा, गंगा क्या बात है, तुम जब चाहोगे तब स्वर्ग का अमृत पी सकोगे, लेकिन अमृत को पहचानने की कला तुम विकसित करना। उस अमृत को भी पहचानोगे और फिर हृदय के अमृत को भी कभी पहचान लोगे। कृष्ण तो वरदान देकर चले गए। इंद्र को जाकर कहा कि उत्तंग को मैंने वरदान दिया है, जब प्यासा हो
पुकारे तो आप उसको अमृत भिजवा देना। इंद्र ने कहा कि नारायण ये संभव नहीं, स्वर्ग का अमृत जिस किसी की प्यास और उधर कुंभ घूमता फिरे ये संभव नहीं, लेकिन आपकी आज्ञा का उल्लंघन भी तो हम नहीं कर सकते। एक शर्त है कि हम कोई रूप बनाकर जाएंगे और तुम्हारा उत्तंग तपस्वी अगर हमें पहचान कर आदर कर लेगा, अमृत पी लेगा तो हम पिला देंगे, नहीं तो फिर हम वहां से अमृत को और अपने आप को अदृश्य कर देंगे। कृष्ण ने कहा ठीक। गर्मियों के दिन में कुएं और बावड़ी सूख जाते हैं राजस्थान की उस बालू में, कब तक पानी टिके। उत्तंग को खूब प्यास लगी और याद आया श्री कृष्ण का वरदान। उत्तंग ने श्री कृष्ण की स्मृति की और स्वर्ग का अमृत पीने की भावना की। इंद्रदेव स्वर्ग का अमृत तो ले आए, लेकिन एक छलम वेश धारण करके आए। दो चार कुत्तों के बीच चंडाल का रूप धारण किए हुए इंद्र उत्तंग ऋषि के आगे प्रकट हो गए और अपनी बाथरूम करने की इंद्री को पकड़ के धार करने लगे। जैसे पिचकारी से पानी निकलता है ऐसे अपनी बाथरूम की जगह से वो अमृत की धार करने लगे। बोले प्यास से मर रहे हैं तो लो पी लो। उत्तंग ने कहा कि ये स्वर्ग का अमृत चंडाल, तू मेरे को भ्रष्ट करने आया, मैं तुझे श्राप दूंगा। इंद्र अंतर्धान हो गए, स्वर्ग का अमृत उत्तंग को नहीं मिला। वास्तव में चांडाल का रूप अथवा वो जगह जो दिख रही थी, जहाँ से अशुद्धि दिख रही थी, वह छलम था, एक कवर मात्र था संकल्प का। भीतर तो कुंभ की ही धार थी, बाथरूम का गंदा पानी नहीं था, अमृत ही था, लेकिन उत्तंग पहचान नहीं पाए। इंद्र अंतर्धान हो गए। उत्तंग ने श्री कृष्ण की फिर से स्मृति की और कृष्ण प्रकट हुए। बोले महाराज ये तुम्हारा वरदान, एक चंडाल हमको अपना पेशाब पिलाए, ये स्वर्ग का अमृत होता है। कृष्ण ने कहा कि स्वर्ग का अमृत था लेकिन मृत्यु लोक में संभव नहीं इस तरीके से जिस किसी को पिलाना, इसलिए इंद्र ने मेरे से ये शर्त का वरदान मांग लिया था। वास्तव में इंद्र ही थे और वो अमृत की ही धार थी, ऊपर कवर ऐसा ही था संकल्प का। उत्तम ने कहा प्रभु अब मैं क्या करूं। बोले अब तुमको दूसरा वरदान दिया जाता है, तुम जब भी खूब प्यासे रहोगे तो मुझ अंतर्यामी कृष्ण में गोता मारना, मैं तपस्वी हूं ये सोचना भूल जाना, मैं उत्तंग ऋषि हूं ये भ्रमणा छोड़ देना। उत्तंग नाम तुमने सुनकर माना है, इंद्रियों ने और मन ने थोड़ा संयम किया है तब करण करते हैं, तुम तो वो आत्मा अमृत में गोता मारकर, मुझ अमृत स्वरूप कृष्ण में गोता मारकर संकल्प करना, तो उसी आत्मा गोते के प्रभाव से प्रकृति तुम्हारे अनुकूल हो जाएगी और आकाश में बादल छा जाएंगे, बरसात हो जाएगी और वो बरसात बरसाने वाले बादलों का नाम भी उत्तंग मेघ पड़ जाएगा। तपस्वी का तप का अहम कुछ पिघला और अपने आत्म कृष्ण का ध्यान करने की तरफ गए। श्री कृष्ण ने गुरु का काम कर दिया, जैसे सतगुरु सत शिष्य को अंतरंग साधना बताते हैं, ऐसे ही श्री कृष्ण ने उत्तंग को अंतरंग साधना बताई जिससे प्रकृति अनुकूल हो जाए। प्रकृति अनुकूल हुई, उत्तंग की प्यास को देखकर प्रकृति ने बादल बरसाए और तब से उन बादलों का नाम उत्तंग मेघ पड़ता है। जो लोग राजस्थान में रहते हैं उनको पता होगा कि अभी भी चौमासे के कुछ एकाद पक्ष में ऐसे ही बादल बरसते हैं जिसको उत्तंग मेघ से पहचाना जाता है। सत्कार्य करते करते, सत्य स्वरूप प्रभु की भक्ति करते करते, अथवा किसी को भगवान के रास्ते लगाने के लिए कभी संतों को कुछ करना पड़ता है तो वे लोग भी कर लेते, न चाहते हुए भी वे लोग ऐसा कर लेते। नावाजी महाराज के गुरुदेव और उनके गुरुदेव
घूमते घामते रजपूताना में पहुंचे। नाभाजी महाराज के गुरुदेव थे, अग्रदास महाराज। अग्रदास जी के गुरु थे पयहारी, पयहारी के गुरु थे कृष्णदास महाराज। महाराज कृष्णदास, पयहारी, अग्रदास, नाभाजी, ये परंपरा चली। कृष्णदास जी महाराज घूमते घामते रजपुताना में आए। मीरा का भाई राज्य करता था रजपुताना में, जिसका नाम था जयमल। जयमल राजवी पुरुष था और रजोगुण कुट कुट के भरा था उसके ब्लड में। वो साधु संतों की मजाक उड़ाने वालों में से था। मीरा तो रहीदास की चरण रज अपने सिर पे चढ़ाती है और रजपूताना का जयमल साधुओं को देखकर इमली खाता है। नाभाजी महाराज के गुरु अग्रदास, अग्रदास जी महाराज के गुरु पयहारी और पयहारी के गुरु कृष्णदास जी महाराज घूमते घामते रजपूताना में आए। तालाब के किनारे बैठे, मीरा का भाई है जयमल और साधु संतों का अपमान करता है, आप भी अभक्त है और दूसरों में भी अभक्ति का प्रचार करता है, राज्य का अमंगल होगा। जहां सुमति वहां संपत्ति, जहां कुमति वहां विपत्ति, यथा राजा तथा प्रजा, राजा की बुद्धि को फिराना कृष्णदास जी को आवश्यक लगा। उस समय जयमल अपना महल बनवा रहा था और साइड पर देख रेख रखने को आता था। ट्यूबवेल या पाइपलाइन सिस्टम नहीं थी, भैंसे पर पखाल भर के पखाली लाते थे पानी, तब की बात है। भैंसे पर पखाली पानी भरने आया तालाब से। कृष्णदास महाराज ने पूछा कि किसके यहाँ पानी ले जाता है? बोले राजा दी राजा अंधात महाराज जयमल। जयमल महाराज का महल बनना है, वो स्वयं महल की देखभाल करने को पधारे हुए हैं, प्रतिदिन पधारते हैं, अभी वो वहीं पधारे हैं, उन्हीं महाराज जी की सेवा में मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ। कृष्णदास महाराज ने कहा कि अच्छा, तुम्हारा राजाधिराज अन्नदाता जो है, तो अन्नदाता को बोलना कि एक साधु आया है, आधा सिर दूध भेज दिया करे रोज। नारद जी और कृष्णदास जी या और संत कभी कभी देखते हैं कि शांति से शांति नहीं आती, तो क्रांति लाके शांति लाते। जैसे सीधी साधी दवा से घाव नहीं भरता है तो ऑपरेशन करना पड़ता है, ऐसे ही समाज में कभी कभी कुछ कठोर ऐसे कुछ अहंकारी लोग होते हैं तो साधु को साम दाम दंड भेद तो नहीं होता है, वर और श्राप का उपयोग करके साधु ऐसे लोगों को नियंत्रित कर देते हैं, अथवा तो अपने हृदय से उनको फट कर देते, फिर समय पाकर उनको भोगना पड़ता है। 10,000-20,000 सरकार का दंड कोई खतरनाक नहीं, लेकिन संत के हृदय का उफ बड़ा खतरनाक होता है। संत सताए तीन जाए तेज बल और वंश, संत सताए तीन जाए तेज बल और वंश, एड़ा एड़ा के ही गया रावण कौरव केरो कंस। लेकिन जयमल किसी संत के श्राप का शिकार न बने, कहीं किसी की गर्म हवा न लगे, आखिर भक्तानी मीरा का भाई है। कृष्णदास महाराज ने एक लीला की, कहलवा के भेजा, जरा कोनी मारी, श्राप नहीं दिया, कोनी मारी जरा छेड़ करने के लिए। तुम्हारे अन्नदाता को बोलना कि एक साधु आए हैं, रमता राम है, वो कहीं बस्ती में जाएंगे नहीं, रोज आधा सिर दूध, आधा सिर माना आधा किलो इस समय का, बंगाली आधा सिर, राजस्थान का आधा सिर सुबह आधा सिर शाम को दूध भेज दिया करें। पखाली समझा के महाराज क्या बोलते हो आप, राजा साहब भेजेंगे? बोले हाँ, अन्नदाता जो है उसकी फर्ज है साधु संतों की सेवा करना, बोलना अपनी फर्ज पालो, आधा सिर दूध सुबह
आधा लीटर दूध सुबह समझ लो, आधा लीटर शाम को भेजो, लीटर की जगह पर शेर समझो। आप पखालिनी तो जाकर बेनती कर दी और जयमल ठाका मार के हंसा, जैसे रावण या शाकुनी या दुर्योधन अपने अशांति को ढकने के लिए हंस लेते हैं राक्षस। साधु आधा सिर दूध जयमल भेजेगा उनको, मंत्री को बुलाया कि देखो आजकल साधु उद्दंड हो गए, आधा सिर दूध और राजा से मंगवा रहे, दूसरा कोई काम नहीं हमको, महल बन रहा है, राज दरबार संभालना है, मैं रोज आधा सिर दूध भेजूंगा, मैं मीरा जैसा पागल नहीं हूं। वो अपने को चतुर मानता है, मीरा को पागल मानता है। पागलों को पता ही नहीं होता कि कौन पागल है। मैं घटित घटना सुनाता हूं तुमको, जयपुर में एक पागल खाने की। जवाहरलाल नेहरू राज्य करते थे तब की बात है, प्राइम मिनिस्टर थे तब की बात है। किसी पागल खाने में नेहरू जी को ओपनिंग के लिए, किसी निमित्त के लिए लिव आ गया विजिट के लिए। तो एक पागल सामने मिला, पागल ने कहा हाउ आर यू, नेहरू को कहा कौन हो तुम, नेहरू ने कहा आई एम जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बोले मैं भी पहले ऐसे ही बोलता था, तुम भर्ती हो जाओ ठीक हो जाओगे। पागल ने कहा पंडित जी को, तुम भर्ती हो जाओ इसमें दवाखाने में, ठीक हो जाओगे, मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ, मैं भी पहले बोलता था आई एम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अभी तुमको पागलपन आया, मैं तो अभी थोड़ा ठीक हुआ हूं लेकिन तुम पागल हो रहे हो, तुम भर्ती हो जाओ ठीक हो जाओगे। वो पागल कह रहा है नेहरू को, नेहरू को पूछा उसने हाउ आर यू, नेहरू ने कहा आई एम जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसने कहा सो अच्छा, मैं भी पहले ऐसा बोलता था, इधर भर्ती हुआ मैं ठीक हो गया, अब तुम भी भर्ती हो जाओ तो ठीक हो जाएगा। पागलों को पता ही नहीं होता है कि हम पागल हैं, ऐसे ही अभक्तों को पता ही नहीं होता हम अभक्त हैं। अभक्त भक्तों को उपदेश देने का ठेका ले लेंगे, तुम्हारी भक्ति का रंग जमेगा ने तो जो भी अभक्त होंगे कुटुंब के, वे लोग तुमको सुधारने का दाव पे चालू कर देंगे। अगर कोई कुटुंबी तुमको सुधारने की कोशिश नहीं करता है तो तुम्हारी भक्ति ने अभी मोशन पकड़ा नहीं, अजी मौसम पकड़ा नहीं, गाड़ी जैसे मौसम पकड़ती ऐसे पकड़ा नहीं। अगर तुम्हारी भक्ति ने जोर पकड़ा है, जैसे ट्रेन फास्ट चलती तो हिलती है, ट्रक गाड़ी चलती तो हिलती, ऐसे तुम्हारी भक्ति जोर पकड़ेगी तो तुम्हारे को रोकने वाले लोग होंगे। पत्नी रोकेगी, पत्नी पत्नी भक्ति करती तो पति रोकेगा, दोनों करते हैं तो कुटुंब भी रोकेंगे, पूरा कुटुंब करता है तो पड़ोसी रोकेंगे, और पूरा पड़ोस भक्त हो गया तो लोग बोलेंगे आखू पड़ोस बगड़ी बधा गौंडा थे क्या। जगत भगत का एंटीबायोटिक, जगत के लोगों को इंद्रियों का सुख और जगत का नश्वर भोग सच्चा लगता है, और भक्त को भगवान की कृपा मिली है उसे सब फीका लगता है, वो ईश्वर का रस सच्चा लगने लगता है, दोनों की भीतर की समझ बदल जाती है। इसलिए स्वाभाविक है कि तुम घर में जाओ समाज में जाओ तुम्हें कोनी लगे ये लगे, लेकिन उस कोनियों से तुम घबराना मत, डरना मत, साधना छोड़ना मत। मैंने सुनी है एक तेजाराम माली की बात, तेजाराम माली के सेठ ने कहा कि हवा तूफान चल रहा है, ये पौधे हिल रहे हैं, इनको बांध दे कहीं उखड़ न जाए। माली ने कहा अन्नदाता उखड़ने के भय से इनको बांध दूंगा, बच तो जाएंगे लेकिन जिंदगी भर फिर कमजोर रहेंगे, जितना पौधा आंधी और तूफान सहेगा उतना मजबूत होगा, ऐसे मेरे साधक रूपी पौधे भी जितना विघ्न बाधा और आंधी तूफान सहेंगे उतने ही मजबूत होंगे। मैं जयमल की कथा जरूर सुनाऊंगा। जयमल के पास मंत्री खड़ा है, मंत्री ने कहा कि हाँ हजूर, वो तो बेचारा चाकर था, हाँ हजूर आजकल साधु ऐसे ही हो गए उदंड। जयमल ने पखाली को कहा, भैंसे पर पानी लादने वाले को पखाली बोलते थे, कई लोग कमार पे भी पखाल बांधते उनको भी पखाली कहा जाता है, सिंध में ऐसे पखाली मैंने देखे और अजमेर में भी पानी भरने वाले पखालियों को पिछले 20 साल पहले हमने देखे थे, अभी भी कहीं कहीं मशक में पानी भर के पखाली लोग जाते हैं।
पखाली ने जाकर जो बात कही, जयमल ने कहा कि उस महाराज को बोल देना कि अगर तुमको दूध ही पीना है तो ये भैंसा जो है ना, इस भैंसे को दोकर रोज पी लिया करना। महाराज का पूरा इंसल्ट था, अपमान था, और जयमल की उदंडता प्रकट हो रही थी। लेकिन कृष्णदास महाराज, नाभाजी महाराज के दादा गुरु, नाभाजी महाराज के गुरु थे अग्रदास, अग्रदास के गुरु थे पयहारी, पयहारी के गुरु थे कृष्णदास जी परदादा गुरु। तो कृष्णदास महाराज ने जयमल को योग शक्ति का कुछ चमत्कार दिखाने के हेतु, उसको मोड़ने के हेतु अपने चित्त की एकाग्रता के बल का उपयोग किया। कभी कभी योगी आ जाए अपनी मौज में, प्राय नहीं करते। लोगों को भक्ति रस देने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करें, लेकिन ऐसे उद्दंडों को कभी कभी कुछ नाथने के लिए कभी हो जाता है ईश्वर की मौज से, वो अलग बात है। प्राय संत लोग अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करते। ईश्वर का संकेत होता है तो, अंतरात्मा का स्पुरना होता है तो हो जाता है। कृष्णदास महाराज ने सुना उसकी उद्दंडता, कृष्णदास महाराज ने सुना कि जयमल राजा बोलता है कि महाराज ये भैंसा को दोकर पी लिया करना। अच्छा बेटा, कृष्णदास महाराज ने अपने योग संकल्प से पानी का छींटा मारा भैंसे पर, हाथ रख दिया भैंसा, भैंसा में से भैंसी भैंसा, अर्धनारेश्वर रूप, भैंस और भैंसा दोनों, भैंसे के जो छोटे छोटे स्तन थे वो भैंस जैसे हो गए, बाकी का सब मॉडल भैंसे का। जैसे भगवान अर्धनारेश्वर, ऐसे ही अर्ध भैंसेश्वर हो गया, और स्तनों में दूध टपकने लगा। पखाली तो हैरान हो गया, दंडवत प्रणाम किया, माफी मांगा और अपना भैंसे को लेकर गया। रास्ते से दूध के बूंदे टपक गए और पखाली चुप कैसे रह के, भगवान आया है, अरे के जागो रे लोगो मत सुबो, भगवान आया है के अंदाता रा अंदाता आया है, जयमल रो कल्याण वेगा, अरे के वा संत आया है के वो पाड़ा रे भैंस की दीपरी के, ओ हो पाडो है भैंस है मारे तो बे लाबुआ के, हो भैंसे के स्तन से जब दूध की धार टपकती थोड़ी थोड़ी, लोग देखकर भागे कृष्णदास के दर्शन करने को। जयमल ने देखा, जयमल को प्रायश्चित हुआ कि न जाने ये संत जरा सा बैठ के अपने ठिकाने में उलट पुलट कर दे कुछ चीज को, तब भी इधर कुछ हो सकता है। संकल्प में बड़ी शक्ति होती है, जिसका जैसा संकल्प, सारी दुनिया संकल्प में ही तो स्थित है। ये ब्रह्मा जी के संकल्प में ये दुनिया चल रही है। तुम्हारा रात्रि का संकल्प होता है तो बाजारें बन जाती है, दुकान बन जाते हैं। कोई 10 लाख का है मुलजी जेठा मार्केट में, तो कोई 25 लाख का है, कोई 12 लाख का है, तो कोई छोटा सा 4 लाख का है। वो तब तक सपने का मार्केट मौजूद है जब तक तुम्हारा संकल्प नहीं बदलता है। तुम्हारा संकल्प बदला तो सब का सब छू हो जाता है। तो तुम्हारा संकल्प क्षीण संकल्प है, हिता नाम की नाड़ी में तुम दुनिया बनाते हो, और योगी का संकल्प जागृत में होता है तो वो ऐसा हो जाता है। भैंसे को देखकर भैंसी के रूप में जयमल का अहंकार कुछ पिघला, और हमेशा भोगी आदमी को भय ज्यादा लगता है। तुमने पुराणों की कथा सुनी होगी, फलाने ऋषि ने, फलाने जोगी ने तप किया, इंद्र का आसन हिला और इंद्र आ गए उस जोगी के तप को रोकने के लिए। इंद्र का आसन हिला ऐसा हमने सुना, लेकिन यमराज का पाड़ा हिला ऐसा हमने नहीं सुना। हिलना तो पाड़ा चाहिए, लेकिन पाड़ा हिला प्रॉब्लम हुआ नहीं, इंद्र का आसन हिला। जहां भोग है, ऐश्वर्य है, वहां भय है। जहां त्याग है, संयम है। यमराज माना संयमपुरी, नियम संयमपुरी। संयमपुरी वाले को, जिसके चित्त में संयम है उसको भय नहीं होता है, जिसके चित्त में भोग की बहुलता है उसको डर लगता है। जयमल डरा और भागा। महाराज आपके चरणों का दास हूँ, जेवो थे वो थारो स्वरो हूँ, स्वरु कसुरु थाए पण मावतर तो कम मावतर नहीं वेबो करे अंदाता। हाथ में आपकी गऊ हो गया, यूं कर दिया राजस्थान में तो कैसा भी गुनाह है माफ, क्योंकि मैं गूंगी गाय हूं तुम्हारी, ऐसा कहते ना। हाथ में तीन, मुंह में तिनखा डाल दे अथवा मुंह में यूं उंगलियां डाल दे तो आदमी याचना करता है, सरेंडर है, ऐसा माना जाता है।
तो शरणागत को सही रास्ता दिखाना संत का स्वभाव होता है। जयमल को बाबा जी ने थोड़ा सा उपदेश दिया और बोला, अब तू रजोगुणी आदमी है, तेरा मन भोगों में भटकता है, तो भोगों से उपराम होने के लिए तू अभी साधु हो जाए तो संभव नहीं है, तू घर में रहकर मानसिक साधना कर। आँखों और कानों के द्वारा संसार भीतर घुसता है और मन में घुसता है, तू मन से भगवान की मानसिक पूजा कर। मानसिक पूजा की विधि समझाकर कृष्णदास महाराज तो चलते भय, जयमल को रंग लग गया। जयमल मानसिक पूजा करता, सुबह उठकर मन ही मन गंगा जाए, नहाए यमुना नहाए, मन ही मन भगवान को अर्पण प्रणाम करे, साधु संतों को प्रणाम करे, मन ही मन फिर ठाकुर जी को स्नान कराए, ठाकुर जी को तिलक लगाए, ठाकुर जी को भोग लगाए। ऐसे मन मानसिक पूजा करते करते उसका मन थोड़ा शुद्ध हुआ। शुद्ध मन में कुछ न कुछ योग्यताएं बढ़ती। जयमल मानसिक पूजा करते करते उस नतीजे पे पहुंचा कि मेरे ठाकुर जी के लिए मुझे एक कमरा बनाना चाहिए। महल के ऊपर उसने पूजा का कमरा बनाया और पलंग भी रख दिया, शयन खंड भी बनाया और भोजन की व्यवस्था सामग्री भी रख दी। मन ही मन वो सुबह जाकर ठाकुर जी को भोजन कराता, पूजा कराता और फिर बोलता कि शयन करो। शयन करा के आता अपने मन से। ऐसी मानसिक पूजा हमने भी की किसी समय में। उसने एक सीढ़ी बना रखी थी, यांत्रिक सीढ़ी। सीढ़ी को खोले, उन यंत्रों को सेट करे, खुद चढ़ के जाए, फिर सीढ़ी खींच लेता, पूजा करके वापस आ जाए मानसिक पूजा, फिर वो सीढ़ी बंद कर देता उन यंत्रों की। और उसने कड़क आदेश दिया था कि कोई भी मेरे पूजा रूम को देखने नहीं जा सकता, मेरे और भगवान के बीच तीसरा आदमी नहीं, जैसे सतशिष्य और सतगुरु के बीच दूसरा आदमी अलाव नहीं होता, ऐसे ही भगवान और भक्त के बीच भी दूसरा कोई संसारी आदमी अलाव नहीं। स्त्री का स्वभाव है, जो बात इनकार करो वो खुद 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 करेगी। उसने कोशिश किया, लेकिन जयमल का कड़क स्वभाव से वो डरती थी। कई महीने गुजर गए, जयमल पूजा करके आता, फिर अपना भोजन करता, फिर थोड़ा टहलता, सो जाता और सीढ़ी उतार के रख देता। अगर कोई गया, रानी भी गई तो मृत्युदंड होगा, ऐसा बोला था उसने। एक दिन जयमल सो गया, प्रगाढ़ नींद आ गई उसको, रानी को नींद नहीं आ रही थी। उसने सोचा कि अभी पतिदेव सोए, देखे कि पूजा के रूम में क्या क्या है, कितने दिन से जाते हैं, कौन है, क्या है, आके इतना बदले हुए हैं तो कुछ देखो। तो धीरे से उसने अपनी सीढ़ी खोली, चढ़ गई। रानी देखते ही चौंक गई कि ओ, मोर मुकुटधारी कोई युवराज, जैसे क्षीर सागर में नारायण लेटा है, ऐसे ही अपने नारायणी स्वभाव में महातेजस्वी कोई युवराज लेटा है। मानो न मानो वही मीरा का इष्ट है और उसी इष्ट की पूजा करते वो लेटे हैं। वो तो ठगी सी रह गई, लेकिन पति के भय और आदेश को सुनकर फिर कांपने लगी। धीरे धीरे नीचे उतरे और सीढ़ी को समेटा, और भयभीत आदमी थोड़ी गलती करता है, भागता हुआ चोर भी कुछ निशानी छोड़ जाता है। ऐसे ही उसने सीढ़ी रखते समय अपनी निशानी छोड़ दी, कुछ आवाज हो गया। जयमल चौंका, अरे कौन, क्या करती है, सच बता। बोले पतिदेव, कांपते कांपते बोली, अभय दान दो। बोले हाँ बोल, क्या किया तूने। बोले मैं तो चोरी चोरी दर्शन करने गई कि कौन है ऊपर, जिसके लिए आप घंटों भर जाते हैं, तो एक युवराज लेटे थे, बाल मुकुंद स्वरूप से कुछ ऊपर का उम्र वाला, नंद नंदन यशोदा नंदन थे, मुझे तो ऐसा लगता है, आपके भय के मारे मैं जल्दी से उतर आई। जयमल ने सीढ़ी लगाई, जल्दी जल्दी चढ़ा, तो जयमल को भगवान नहीं दिखे। जयमल फुट फुट कर रोया और जयमल ने प्रार्थना की कि प्रभु आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे। उसका एक ही कारण है कि मैंने यौवन अवस्था में ज़्यादा भोग भोगे हैं, इसलिए मेरे कर्म अभी कटे नहीं हैं, मेरी पत्नी ने इतने भोग नहीं भोगे विकारी, इसलिए उसे तो तुमने दर्शन दिया, लेकिन अब मुझे भी आप दर्शन देकर कृतार्थ कीजिएगा। मुझे दर्शन नहीं दिया तो मेरी अर्धांगनी को तुमने कन्हैया दर्शन तो दिया। ऐसा करके अपने गुरु कृष्णदास जी महाराज को धन्यवाद देता हुआ
गुरु भक्ति के भाव में बह चला और उसका अंतःकरण पावन हुआ, कृष्ण तत्व से उसकी सुरता जुड़ने लगी।